जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीई के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इनका एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट में पीसीई बोलते हैं। इसे हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो मैंने सोचा आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाएँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन की क्या नीड है, समझाइए, ठीक है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, अगर हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें मॉड्यूलेशन की क्या ज़रूरत है, क्यों हम लोग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एएम मॉड्यूलेशन क्या होता है, जिसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं, क्या होता है, इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वी एस बी मॉड्यूलेशन क्या होता है, संक्षेप में समझाएं, ठीक है। विस्टीरियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन क्या होता है, या फिर वी एस बी मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको संक्षेप में आपको समझाना है, लिखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न टर्म्स को समझाइए, जैसे आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स हुआ, फिर आपका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन हुआ, फिर आपका डेविएशन रेशियो हुआ, फिर आपका बैंडविड्थ हुआ, इन सारे टर्म को समझाना है किसमें, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, ठीक है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है और इन सारे टर्म को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एएम एंड एफएम, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो फेज मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। जिसको पीएम बोलते हैं और एफएम बोलते हैं, इन दोनों में भी अंतर आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अंतर पूछा जा सकता है, और या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में अंतर पूछा जा सकता है। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बैलेंस मॉड्यूलेटर का सर्किट डायग्राम बनाकर इसके वर्किंग को समझाना है, ठीक है। बैलेंस मॉड्यूलेटर कैसा होता है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम आपको बनाकर इसको किस तरह से वर्क करता है जो बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है, उसको समझा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाना है, ठीक है। रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको डिफाइन करना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑर्म स्ट्रॉन्ग फेज मॉड्यूलेटर क्या होता है, इसके वर्किंग को समझाना है। ऑर्म स्ट्रॉन्ग जो फेज मॉड्यूलेटर होता है वो क्या होता है, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है और कैसे वर्क करता है, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर के वर्किंग को समझाना है, ठीक है। आपका फोस्टर जो सीले डिस्क्रिमिनेटर है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट लिख के फिर इसके वर्किंग को समझा देना है सर्किट डायग्राम बना के। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एफएम डिटेक्शन यूजिंग स्लोप डिटेक्टर, ठीक है। स्लोप डिटेक्टर का यूज़ करके कैसे हम लोग एफएम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करते हैं या फिर डिटेक्ट करते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल को आपको लिखना है, समझाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टीडीएम और एफडीएम में क्या अंतर होता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसको शॉर्ट में टीडीएम और एफडीएम बोलते हैं, इसमें क्या अंतर होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन दोनों में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। खासकर इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा एग्जाम में, एक तरह से रट के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक क्या होती है, इसमें आपका ESK, FSK और PSK को संक्षेप में समझाना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो
तो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपेरिजन एमंग PAM PPM और PWM, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड मॉड्यूलेशन, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन तीनों में कंपेयर करना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है सुपर हेटरोडाइन रेडियो रिसीवर के बारे में संक्षेप में आपको समझाना है, लिखना है। सुपर हेटरोडाइन जो रेडियो रिसीवर होता है क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम बना के आप समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसमीटर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या होता है, किस तरह से सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और कितने तरह के होते हैं, अलग अलग बेसिक के आधार पर अलग अलग इसका टाइप होता है, जिसके बारे में आपको लिखना है ट्रांसमीटर के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है AM ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बना के प्रत्येक स्टेज को समझाइए। तो AM जो ट्रांसमीटर है उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है और हर एक ब्लॉक को आपको समझा देना है कि इस ब्लॉक का क्या काम है, इस ब्लॉक का क्या काम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन को समझाइए। तो PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होता है, कैसे इसमें मैसेज सिग्नल होता है, फिर आपका कैरियर सिग्नल होता है, फिर आपका मॉड्यूलेटर सिग्नल होता है, इसका बना के वेव फॉर्म आपको समझाना है, साथ ही साथ इसमें आपको सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, और क्वांटाइजेशन क्या होता है, इन दोनों को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ 18 क्वेश्चन ही कवर किए गए हैं, हो सकता है 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाए, लेकिन न्यूमेरिकल का आशा बहुत कम है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा और इसमें कम से कम आपको 30+5, ठीक है, 35+ मार्क्स आपको मिलने वाला है। अगर इतना आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, इतना आप लिख के आएंगे अच्छे से, तो 35+ नंबर आपको मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही नॉलेजेबल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।